नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सगनी सुमित शर्मा। रुख करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। तेलंगाना हैदराबाद वनस्थलीपुरम थाना क्षेत्र में एक घटना हुई जहां दो लोगों की मौत हो गई। 14 जून 2022 को दोपहर 12:30 बजे बोगुजू रमेश पुत्र नरसिंहाचारी उम्र 46 वर्ष ओसी प्राइवेट कर्मचारी जाति सुनार निवासी प्लाट नंबर 56 राघवेंद्र नगर कॉलोनी हयातनगर डिपो के पास हयातनगर, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बहन मुम्मदी विजया लक्ष्मी WO नरसिंहाचारी उम्र 43 वर्ष OCC सरकारी शिक्षक जाति सुनार घर का पता 6213/16/1 लक्ष्मी नगर कॉलोनी वेंकटेश्वर कॉलोनी के पास नलगुंडा जिला उनके भाई बोगुजू सुरेश कुमार पुत्र नरसिंहाचारी के पास आया। उम्र 47 वर्ष अक्टूबर में प्राइवेट नौकरी करता था। उम्र 56 साल राघवेंद्र नगर कॉलोनी हयातनगर LIC कार्यालय में काम के लिए। 14 जून 2022 को 10:30 बजे जब वे अपनी दोपहिया वाहन पर हयातनगर से LIC कार्यालय अमीरपेट की ओर जा रहे थे, रास्ते में जब वे सुषमा सिंगल ऑटो नगर वनस्थलीपुरम पहुंचे, इस बीच दूध का टैंकर चालक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे ट्रक नंबर TS16TC2619 से जल्दबाजी और लापरवाही से अपनी ट्रक वाहन चलाया और पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बोगुजू सुरेश कुमार को सिर में गंभीर चोटें आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनकी बहन विजय लक्ष्मी को गंभीर चोटें आई और खून बह जाने से उन्हें सुषमा सिंगल के पास प्रगमा अस्पताल से भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उनकी जाँच की और मृत्यु घोषित कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और मुरली मोहन जो एक्टिवा पर सवार थे, खून बह जाने के और चोट आई, उन्हें इलाज के लिए प्रगमा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। साथ ही बुलेट दोपहिया वाहन और एक्टिवा दोपहिया वाहन गाड़ी पूरी तरह से टूट गई और पान की दुकान और दारू के ठेके की दुकान की दीवार है वह पूरी तरह से टूट गई। अतः परिवार ने आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है और ACP पुरुषोत्तम रेड्डी वनस्थलीपुरम थाना प्रभारी कोला सत्यनारायण ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और ट्रक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को कहा। मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।